10,938 करोड़ का ऑर्डर बुक हुआ है। मल्टीबैगर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रिपोर्ट किया है 345% का जम है नेट प्रॉफिट में। साथ ही साथ देखा जाए तो स्टॉक ने 5 ईयर्स में देख सकते हो कि 80% का रिटर्न दिया है, 230% का रिटर्न दिया है 1 डिकेड में। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड लीडिंग ऑप्टिकल डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट 30 जून को अनाउंस किया गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वार्टरली रिजल्ट नेट सेल देख सकते हो 2.35% का इंक्रीज़ किया है, जो लगभग 1522 करोड़ का होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42.442% इंक्रीज़ हुआ है, जो लगभग 235 करोड़ का होता है। नेट प्रॉफिट स्काई रॉकेट हुआ है 345% का, जो लगभग 54 करोड़ का होता है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2024 में जून 30 पर कंपनी ने ऑर्डर बुक किया है 10,938 करोड़ का, विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस 3 बिजनेस यूनिट, ऑप्टिकल नेटवर्किंग का, ग्लोबल सर्विस का और डिजिटल का। तो ये तीनों सेगमेंट में कंपनी का डाइवर्सिफाइड इनकम है और इसके प्रोडक्ट भी तीनों सेक्टर में है। ऑप्टिकल नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा है और सबसे दूसरे में है ग्लोबल सर्विस का, तीसरे में है डिजिटल का। ह्यूज कंपनी का प्राइसिंग के साथ साथ आपका नेट प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ रहा है, तो ऐसे स्टॉक में आपको नज़र रखना चाहिए फ्यूचर ग्रोथ में। कमेंटिंग कंपनी का क्वार्टर परफॉर्मेंस जो है अंकित अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करते हुए वी कंटिन्यू टू ड्राइव आवर मार्केट प्रेजेंस। और सबसे बड़ी बात है कि 3 ऑप्टिकल कंपनी को बहुत ज़्यादा फोकसिंग में रखना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डिलीवर 7-9% रेवेन्यू इंक्रीज हर फाइनेंशियल ईयर में ये दावा किया गया है। नेट डेप जो है ईबीटा रेशियो ये लेस देन 2.5 है, जो फर्दर स्ट्रेंथ करेगा फाइनेंशियल पोजिशन को। प्रोएक्टिव अप्रोच है, एक्सेप्शनल टीम, और साथ ही साथ सीज न्यू अपॉर्चुनिटीज डायनामिक मार्केट लैंडस्केप के हिसाब से है। न्यू भाया स्पिन ऑफ टेलीकॉम बिजनेस है। स्टारलाइट इंडस्ट्रीज प्रोवाइड ऑप्टिकल फाइबर केबल, जेली फील्ड टेलीकॉम केबल प्रोडक्ट, ये सारे सेगमेंट पे ये कंपनी कामकाज करता है। ग्लोबली इसका बहुत ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट भी होता है, और स्टॉक ने आपका 5 ईयर्स में 80% रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। और देखा जाए तो इंटरडे में हाई 152.50 गया हुआ था और लो 149.05। ऐसे स्टॉक में फ्यूचर में जिसका आपका बहुत ज़्यादा आपका स्कोप है, कंपनी का मैनेजमेंट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आने वाले और भी ज़्यादा आपका रेवेन्यू हर साल जो है रेवेन्यू 7-9% तक रेवेन्यू इंक्रीज़ करने का दावा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, और बिग टारगेट को लेके ये स्टॉक आपका अपमूव हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक में आपको नज़र होना चाहिए, और अगर अभी तक आप अपना इस स्टॉक में अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो थैंक्स, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना आप ही का चैनल मनी मेकर 2307। थैंक्स फॉर वॉचिंग।